नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। हमारा जो आज का इंतखाब है वो है शेख इब्राहिम ज़ौक। शेख इब्राहिम ज़ौक जो है वो उर्दू के कसीदा को शायर हैं। तो उर्दू UGC नेट का जो सिलेबस है उसमें इनको यूनिट नंबर 2 कसीदे का फ़न है उसमें शामिल किया गया है, यूनिट नंबर 2 में। तो आज जानते हैं ज़ौक़ का तारुफ और इनकी तसानीफ़, इनसे मुतालिक कुछ ख़ास बातें जिनसे सवालात आते हैं। सबसे पहले तो ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था और इनका तखल्लुस जो है वो ज़ौक़ था। इसके बाद ज़ौक़ की पैदाइश जो है वो 1789 को 1789 में दिल्ली में हुई थी और ज़ौक़ की वफ़ात 1854 में दिल्ली ही में हुई थी। ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान था और ज़ौक़ की इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हुई थी। ज़ौक़ के उस्ताद का नाम शाह नसीर दहलवी था और शाह नसीर जो हैं वो नवाब शाह नसीर जो हैं वो इनके उस्ताद हैं ज़ौक़ के। इसके बाद में ज़ौक़ के शागिर्द जो हैं वो बहादुर शाह ज़फ़र हैं, बादशाह हैं बहादुर शाह ज़फ़र, जो मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं। और इसके बाद में मोहम्मद हुसैन जो आज़ाद हैं, जिन्होंने आबे हयात किताब लिखी है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के भी ये ज़ौक़ जो हैं वो उस्ताद थे। इसके बाद में ज़ौक़ जो हैं उनकी मासराना चश्मक जो है वो मिर्ज़ा गालिब से थी। मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ की कभी आपस में नहीं बनती थी और अदवी चश्मक इन दोनों के बीच में रहती थी। इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं उन्होंने ज़ौक़ को अपनी सल्तनत का मुल्कुल शोरा मुकर्रर किया था और ज़ौक़ को खाकानी हिंद का ख़िताब जो है वो अकबर शाह सानी ने दिया था। अकबर शाह सानी ने इनको खाकानी हिंद का ख़िताब दिया था और मुल्कुल शोरा जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया। इसके बाद में ज़ौक़ के कुछ अहम कसाइद देखते हैं। सबसे पहले तो ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र का कसीदा है, बहादुर शाह ज़फ़र पे लिखा हुआ कसीदा है। इसके बाद में सावन में दिया फिर माह शवाल दिखाई, ये भी दरमदा जो है बहादुर शाह ज़फ़र के लिए ही, इसमें बहादुर शाह ज़फ़र की इसमें मदह की गई है। इसके बाद इनका तीसरा कसीदा भी बहुत मशहूर है, है मेरी आँखों में अशकों के तमाशा गौहर। और चौथा जो है पाए ना ऐसा एक भी दिन हो शत्र आसमा है जो वो ये कसीदा है। शब को मैं अपने सर बिस्तर ख्वाबे राहत, ये भी एक कसीदा है। इसके बाद में ज़ौक़ इब्राहिम से मुतालिक कुछ ख़ास बातें हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले ज़ौक़ की शोहरत सुनकर हैदराबाद के महाराजा चंदोलाल शादा ने ज़ौक़ को हैदराबाद बुलाया, लेकिन ज़ौक़ कभी दिल्ली छोड़कर नहीं गए और एक जवाब दिया। जवाब में शेर लिखा था, गरचे मुल्क दक्कन में इन दिनों कद्र सुखन, गरचे मुल्क दक्कन में इन दिनों कद्र सुखन, कौन जाए पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। इसके बाद में ज़ौक़ ने अपने कसाइद में सबसे ज़्यादा फ़नून लतीफ़ा का इस्तेमाल किया है। ज़ौक़ के तमाम कसाइद अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र की मदा में हैं। बस एक कसीदा सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मदा में है। तो याद रखना, सैयद आशिक निहाल चिश्ती जो हैं उनकी मदा में भी इन्होंने एक कसीदा कहा है। इसके बाद में ज़ौक़ से मुतालिक मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि ज़ौक ने 19 वर्ष की उम्र में एक कसीदा लिखा जिसमें तरह तरह की सनतों और साथ साथ में 18 शेर 18 जबान में थे, जिसकी बना पर अकबर शाह सानी ने ज़ौक को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। याद रखना, कहने का मतलब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आबे हयात, और उस आबे हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक से मुतालिक ये बात कही है कि ज़ौक ने 19 साल की उम्र में 18 ऐसे शेर कहे थे जो अलग 18 जबानों में थे। इसी वजह से अकबर शाह सानी जो हैं उन्होंने ज़ौक को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। तो आज जो है मैंने आपके सामने शेख इब्राहिम ज़ौक का तारुफ, उनकी तसानीफ बयान की। अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए इंतखाब के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।